కంప్లైంట్ అయ్యారే దీని మార్గం అయితే కంప్లైంట్ మీరు ఏకుండా ఏనే ఉంటే అది మీ టైం ఊరుదా వాళ్ళ టైం కూడా ఊరుదానే అవుతుంది ఇది యాలర్జీ కాదు సర్ మీ 3 డేస్ నుంచి 3 డేస్ పేపర్ చూడండి డైలీ వస్తుంది ఈ ఫోన్ ఈ హాస్పిటల్ లో దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి డైలీ వస్తుంది పేపర్ లో పేపర్ లో వస్తుంది అందుకే కదా ఎవరో ఒకరు కంప్లైంట్ ఇవ్వరు ఎవరు పోయి కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు దాని ఇవ్వండి మరి డైరెక్ట్ పేపర్ లో న్యూస్ रात के 2 बजे आए थे ऑक्सीजन कम हो गया बोल के ऑक्सीजन आया तो लेके गया तो फोन करे तो है बोल के बोले बेटा बेटा हो गया है बोल तो हम लोग लेके आए लेके आया था बोलते हम लोग खाली बोलने के लिए है हॉस्पिटल में लाया आप लोगों ये टिम्स हॉस्पिटल गच्चीबोली का गच्चीबोली लेके आए बंदे क्या हुआ उन लोग बोले तो हम लोग खाली बोलने के लिए बोलना पड़ता ऑर्डर से क्या आया बंदे कुछ भी नहीं देख रहे बोल के बाहर बैठा दिया पेशेंट को और रिस्क पे नाम लिखा ले रहे कि कुछ भी हो गया तो हम तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बोल के लिखा ले रहे ठीक है बोल के फिर भी साइन करके रखे तो ऑक्सीजन लेके बाहर बैठा दिए सुबह से नहीं एक कुछ भी मेडिकेशन नहीं है कुछ भी नहीं रात को 9 फिर 10 o'clock कोई तो भी आके कोई तो भी सीनियर आया तो जान दो बोलकर दगा दिए एडमिशन दिए एडमिशन दिए बाद में आप गए तो 3 बजे तक फूड नहीं है मेडिकेशन नहीं है कुछ भी नहीं है पानी तक नहीं दे रहे पानी का वाटर बॉटल भी नहीं है उनके पास आपको मिलने दिए पेशेंट से पेशेंट से मिलने कुछ भी नहीं आया रिसेप्शन के बाद छोड़ के चल जाओ बोल रहे बात कर दिया बात बात करने को भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे कुछ भी नहीं है पानी नहीं कुछ भी नहीं ऑप्शन है फोन है लेकिन उनको चलाना तो नहीं आता कभी कभी फोन कर रहे कभी कहीं कर रहे खाने को तो नहीं आया बोल के बोल दिया उन्होंने उनको मेडिकेशन फूड नहीं देते उनको कैसा देते ऑक्सीजन नहीं बोल के ऑक्सीजन ठीक है चल रहा थोड़ा बहुत आ रहा लेकिन ऑक्सीजन भी करेक्ट लेवल पे देना पड़ता ज़्यादा दिए तो भी प्रॉब्लम है कम दिए तो भी प्रॉब्लम है कोई चेक करने वाला नहीं है सिस्टर बुलाओ कोई भी नहीं आ रहे कहते उन्होंने एज ज़्यादा है उनका एज ज़्यादा है तो कैसा रहता है इंसान चलने को भी नहीं आता उनको सीधा कोई कोई देखना रहा तो आना वही दे रहे कुछ भी इंजेक्शन नहीं है कुछ भी नहीं है क्या भी नहीं डॉक्टर बात नहीं करे अभी तक कोई भी बात नहीं करे अभी तक और रिपोर्ट फोन कर रहे थे रिसेप्शन कोई भी नहीं उठाता फोन तो आप सर को कोई मैसेज देना चाह रहे प्लीज आके देखिए पेशेंट कैसे चल रहे यहाँ पे आके देख के अगर देखो खाली बोला ले रहा था खाली कि कुछ भी हम लोग इतना खोले बोल के खोले तो जरा काम करो जरा सीधा करो बोल के बोलो जरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे इतना फैसिलिटी लगा के रखे काम करने वाले भी रहना ना वो नहीं है तो कैसा पेशेंट को ले रहे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहना गवर्नमेंट को हम लोग सेंसिटेशन यहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट किए थे हम सेंसिटेशन हमारे आंटी को यहाँ पे शिफ्ट किए थे थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम था बोल के 23rd night को हम लोग यहाँ पे 11 बजे शाम में 4-5 बजे लेके आए रात में 11 बजे हमको बेड इशू करे यहाँ पे सेकेंड डे हमारे को किसी को मिलने नहीं दिया यहाँ पे बाहर भी ठहर रहे तो पुलिस वाले और इनके हॉस्पिटल डिपार्टमेंट वाले जो केजिंग स्टाफ है वो लोग सब हटा दे रहे हैं यहाँ से ना पेशेंट के पास में किसी को जाने दे रहे ना मिलने दे रहे उनको पेशेंट्स को जो अंदर ना पानी दे रहे ना खाना दे रहे अगर यहाँ से हम कुछ भिजा रहे हैं तो वो पेशेंट तक नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ तक रास्ते में ही पूरा गायब हो जा रहा है मैं हमारे आंटी के लिए उनको हेल्थ कैसी है देखने के वास्ते एक नया फ़ोन खरीद के लेके दिया था उनको मैं व्हाट्सअप फ़ोन लेके दिया था वो लेकिन वेरी सेकेंड डे दैट 27th के दिन अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock को हमारे को हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि शी इज़ नो मोर बोल के हम इमीडिएट 2 सेकेंड 5 मिनट में हम कॉल किया तो फ़ोन जो है हमारा स्विच ऑफ है एक स्लिप के ऊपर में टाइम लिखा हुआ है 5:15 और दूसरे स्लिप के ऊपर में लिखा हुआ है 11 o'clock तो अब ये दोनों में से सही टाइम कौन सा है वेदर शी हैज़ एक्सपायर्ड ऑन 5:15 और एट 11 o'clock या अगर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर यहाँ के डॉक्टर्स का और यहाँ के ऑफिशियल्स का है तो आगे दूसरे पेशेंट्स का क्या हाल होगा हमारे पेशेंट के पास से कान के बालियाँ निकाली और अभी तक मेरे को फ़ोन भी ट्रेस आउट नहीं हुआ मैं यहाँ तक रिक्वेस्ट किया कि मेरे को गोल्ड का मेरे को कुछ नहीं है मेरे को खाली मेरा मोबाइल चाहिए वापस क्योंकि वो मैं उससे वीडियो कॉलिंग मोड के ऊपर में मैं रिकॉर्डिंग मोड पर रख के दिया था मेरे को उनका देखने का है मैं उसके लिए मैं 4 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू फिर रहा हूँ मैं आ जाओ कल आओ 2 दिन के बाद में आओ 2 दिन के बाद में आओ आज हम लोग यहाँ पे अंदर आके ठहरे तो हमारे को धक्के मार के लिया था यहाँ से बाहर निकाले जब हम लोग जाके गच्चीबोली PS में हम लोग कंप्लेन किए
फिर यहाँ पे हॉस्पिटल पे आए तो फिर वही हालत है कि हम आपको दो दिन के बाद में बोलेंगे। बल्कि पुलिस वाले क्या बोले आप लोग को? पुलिस वाले बोल रहे हम इंक्वायरी करेंगे उसके बाद में देखेंगे। बल्कि अगर आपको दो दिन में नहीं मिला तो फिर वहाँ से हम इंक्वायरी करेंगे। हॉस्पिटल का स्टाफ बोलता आप लेटर लिख के दो। क्या हॉस्पिटल वालों को ये नहीं मालूम है हम चार दिन से यहाँ पे किस वजह से आ रहे हैं? ये दवाखाना किधर है? कौन से एरिया में आता है? ये दवाखाना गच्ची बोली स्टेडियम में आता है। ये लास्ट ईयर इसको टिम्स में कन्वर्ट किए थे या कोविड 19 के लिए हॉस्पिटल कन्वर्ट किए इसको। लास्ट ईयर जब कोविड आया था उस टाइम से यहाँ पे पेशेंट शो कर रहे। ये पूरे स्टेडियम को जो है हॉस्पिटल के अंदर में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी तो क्या मुतालबा करना चाह रहे हुकूमत तेलंगाना? अब हम जो भी गवर्नमेंट है उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खैर हमारे जो भी हमारे रिलेटिव थे जो चले गए सो चले गए, वो तो वापस नहीं आते। लेकिन जो दूसरों के रिलेटिव है, किसी के मदर है, किसी के फादर है, किसी के ब्लड रिलेशन वाले, कम से कम उन लोगों का तो जो जरा हिसाब से केयर टेक किया जाए, उन लोगों को तो बचाया जाए। यहाँ पे गवर्नमेंट से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है आप जरा पेशेंट्स को पहले केयर कीजिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अंदर आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। कम से कम एक अटेंडर तो दिन में एक बार तो जाके अपने पेशेंट से देखने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उनसे।